वेलकम टू राजेश किचन। आज राजेश किचन में हम आपको मैदे की पपड़ी, जो कि आप होली पे बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने दो कटोरी मैदा ले लिया है। इसमें डालेंगे हम करीब 2 चम्मच घी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कलौंजी। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि मोए हमारा परफेक्ट है कि नहीं। 2 चम्मच पूरा घी हमको डालना है, हमने थोड़ा सा बचा लिया था। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको डो बना लेना है। देखिए हमारा डो एक परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम कॉटन के कपड़े को गीला करके और इसको अच्छे तरीके से ढक के 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देते हैं। 15 मिनट हम हो गया है इसको रेस्ट करते हुए। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए पपड़ी के लिए मैदा हमारा परफेक्ट हो गया है। इसकी लोई काट लेते हैं छोटी छोटी। जितना बड़ा हमको पपड़ी बनाना है उतना बड़ा आप लोई काटिए। बड़ा बनाना है तो बड़ा लोई ले लीजिए, छोटा बनाना है तो छोटी लोई ले लीजिए। ये देखिए इस साइज का आप लोई काट लीजिए। अब आप एक लोई लीजिए, उसको अच्छे से इस तरीके से राउंड करके इस तरीके से बेल लीजिए आप, और एक चाकू या किसी कांटे की मदद से आप इसमें इस तरीके से कट बना दीजिए, जिससे ये फूलने न पाए। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आप अपना सारा पपड़ी बेल के तैयार। आप चाकू की मदद से या कांटे की मदद से इस तरीके से आप कट लगा लीजिए इसमें। इसी तरीके से आप अपना सारा पपड़ी तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना सारा पपड़ी बना लीजिए। ये घी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। घी गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसमें हम इसको डाल देंगे। आंच हमको बिल्कुल स्लो ही रखना है। बिल्कुल स्लो आंच में इसको पकने देना है। पपड़ी हमारी अच्छी तरीके से एकदम पक गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल खस्ता बन के पपड़ी तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे पपड़ी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी लहगर पपड़ी और बिल्कुल करारी, ये देखिए बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितना लहगर पपड़ी बनकर तैयार हुआ है। अगर इस पपड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।